कटनी शहर के लोग इन दिनों यहाँ की यातायात व्यवस्था से बुरी तरह परेशान हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। जिला अस्पताल परिसर के आसपास इमरजेंसी वाहनों को भी यहाँ से निकलने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। दरअसल शनिवार को अस्पताल परिसर के आसपास अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन भी प्रभावित होते रहे। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन दिनों अस्पताल परिसर और रेलवे लाइन की कार्य प्रगति पर हैं। यही वजह है कि अस्पताल परिसर में अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। यहां अधिकारी और यातायात पुलिस भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाहनों का जमावड़ा लग जाने के कारण कई बार यहां एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके परिजनों को झेलना पड़ता है। इसके दो तीन कारण हैं। पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ दो मेजर निर्माण चल रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई होता है। दूसरी चीज़ है कि जो रेलवे का निर्माण चल रहा है, उसकी वजह से ये काम रास्ता बन गया है और लोग गुंडागर्दी करके यहाँ से जाते हैं, और उसमें हम लोग कई बार है ना बोलते हैं और विवाद की स्थिति बनती है। पुलिस प्रशासन के भी हमने इस चीज़ को नॉलेज में लाया हुआ है। और तीसरी चीज़ रहती है, कई प्राइवेट एम्बुलेंसेस हैं जो कि खड़ी नहीं होना चाहिए, और वो होती हैं, उन्हें बार बार भगाने के बावजूद वो लोग आते रहते हैं। देखा जाए तो मरीजों के परिजन भी बाहर मोटरसाइकिल लगा देते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति। वो रोड पर हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हम यदि अस्पताल में सेवाएं, यदि हम सिर्फ ट्रैफिक देखेंगे तो हम अंदर सेवाएं नहीं दे सकते।